दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटन के बीच एमए चंदीमल स्टेडियम में बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां सीएसके ने पहली बैटिंग करते हुए 206 रन का विशाल टारगेट दिया, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 36 गेंद पर 46 रन बनाए और वहीं रचिन रविंद्र ने 20 गेंद पर 46 रन बनाए और शिवम दुबे ने 23 गेंद पर 51 रन बनाए। इसलिए सीएसके ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए। वहीं गुजरात टाइटन के विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट राशिद खान को मिले, जिन्होंने 4 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट लिए। उसके बाद रवि श्रीनिवासन, जॉनसन और मोहित शर्मा को तीनों को एक एक विकेट मिले। गुजरात टाइटन 206 रन का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल ने ओपनिंग की और ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। रिद्धिमान साहा 21 रन बनाकर आउट हुए, वही शुभमन गिल मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद साई सुदर्शन ने पारी को संभाला, लेकिन वो भी 37 रन बनाकर पथी राणा के हाथों विकेट दे बैठे। उसके बाद डेविड मिलर ने पारी को संभालने की कोशिश की, फिर वो भी आउट हो गए। इसके बाद लगातार विकेट गिरती गई। गुजरात टाइटन 143 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर और चेन्नई सुपर किंग ने 63 रन से ये मैच जीत लिया और लगातार दूसरी जीत हासिल की।